हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। सो आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है करेंट अफेयर्स के साथ में भी और हिस्ट्री के साथ में भी। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अन अकेडमी के एंड यूट्यूब के जो मेरे क्लासेस एक बार फिर से स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके अरिहंत की बुक की जो जीके का सेशन है वो ऑलरेडी 18 मई से स्टार्ट हो चुका है सुबह 11:30 बजे अन अकेडमी पे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो SSC के प्रीवियस ईयर पेपर की जो मैराथन क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस आपकी सैटरडे संडे को भी होंगी, सैटरडे को सुबह 10 बजे अन अकेडमी पे और संडे को सुबह 8 बजे अन अकेडमी पे इनको कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए जरा यहाँ पे बात शुरू करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको पेड बैचेस के बारे में भी बता दें, ये शॉर्ट सेशन रहेगा बट यहाँ पे पूरी की पूरी एनालिसिस आपके लिए है। तो प्लीज क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा। सेशन आपका रिकॉर्डेड मोड पे है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो मुझे आपको प्रॉपरली बतानी थी, तो जरूरी था कि क्लास हो, तो चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि क्लास जो है वो आपके लिए होना चाहिए चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। आपका पेड बैच 25th से स्टार्ट होने वाला है। प्राइस राइज किसी भी टाइम पर अब हो सकता है क्योंकि अभी तक जो ऑफर्स चल रहे थे वो ऑफर्स खत्म हो चुके हैं। आप यहाँ पे काफी सारे चीजों को अवेल कर पाओगे जब आप पेड बैचेस के साथ में ज्वाइन करेंगे। 18 तारीख से आपका नया पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, अगला 25 तारीख से होगा। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, रेज योर हैंड भी है, यहाँ पे आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। और जब आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन को अवेल करोगे तो यहाँ पे जो आपको कोड यूज करना है दैट कोड विल बी प्रति 10। इस कोड के साथ में आप अन अकेडमी के किसी भी कैटेगरी में किसी भी बैच को अवेल कर सकते हो, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। टाइमली ज्वाइन करिएगा क्योंकि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो आइकॉनिक फीचर के साथ में जाओ जहाँ पे आपको प्रायोरिटी भी मिलती है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कशन के साथ में, काशी और ज्ञान वापी लैंड डिस्प्यूट। देखिए रियलिटी यहाँ पे क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी बातें एक तरफ है, लेकिन आपको ये चीज पता होगी कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या के अंदर भी डिस्प्यूट था। उसके बाद में आप देख रहे हो कि काशी वाला ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहा है, और तीसरा जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है वो मथुरा के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि लैंड से जुड़े हुए हैं, और इन सभी की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की गई। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या जरूरी है हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो काम था वो स्टार्ट किया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट है उसे सबमिट किया 17th of May 2022, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के लिए एक तारीख रखी। और उस डेट के बाद में यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया था कि जितने भी निचले कोर्ट हैं यानी कि जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं कहीं पर भी कोई हेयरिंग नहीं होगी 20 तारीख तक, और आज वो 20 तारीख है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग होनी थी, लेकिन ये जो हेयरिंग की बात चल रही है वो दोपहर में 3 बजे की थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्ञान वापी हेयरिंग इन अलाहाबाद हाईकोर्ट ओवर नेक्स्ट हेयरिंग बाय 6th of July, ये बात चल रही है अलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में, जहां पर अगली जो डेट है वो 6th of July रखी गई है। अब आप कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा, क्या रिपोर्ट में आया, क्या सर्वे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सारी बातें आपके साथ में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है, पहले हम ये जानेंगे, फिर इसकी पूरी कहानी यानी कि जो हिस्टोरिक चीजें हैं उनको जानेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीज किया है वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगी, ये पूरा का पूरा द हिंदू का आर्टिकल है, इसके बारे में भी बात करेंगे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा डिटेल एनालिसिस है। चलिए, यहाँ पे जो शुरुआत होती है ये शुरुआत है 4th और 5th century की, लेकिन उससे पहले भी अगर हम बात करें और ज्यादा हिस्टोरिक टाइम पीरियड में चले जाएंगे तो आपने सुना होगा वेदों के बारे में, राइट? हमारी हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा वेदों के बारे में, 4 वेद थे जिसमें से सबसे पुराना जो वेद था वो ऋग वेद जाना जाता है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं वेदों के बारे में तो यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिलता है, वो क्या है, स्कंद पुराण। क्या है? स्कंद पुराण।
तो ये जो काशी विश्वनाथ की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो स्कंद पुराण है इसके अंदर तीन सबसे इम्पोर्टेंट बातों को बोला गया था। इसके अंदर जो तीन बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो पहला क्या है, काशी। काशी का मतलब क्या हो गया, वाराणसी, बनारस, इसी का पुराना नाम क्या था, काशी था। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर मेंशन किया गया है वो है विश्वनाथ मंदिर, वो क्या है, विश्वनाथ मंदिर। और तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर स्कंद पुराण के अंदर लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, ज्ञान वापी कुआं, यानी कि वेल। अब आप कहेंगे ये कुएं का यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, चलिए इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि स्कंद पुराण जो है उसके अंदर इन तीनों चीजों के बारे में बात की गई थी, और ये चीज मानी जाती है कि पूरे के पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफी सारे आपको ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, और करीबन 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, यानी कि जिनके बारे में हमने सुना हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो टोटल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके बारे में ही हम जानते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि मैम ये ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। ज्योतिर्लिंग का सिंपल सा जो मतलब है वो भोले बाबा से जुड़ा हुआ है। तो जोर से बोलो, जय भोले बाबा। भोले बाबा से जुड़ा हुआ है, क्या मतलब है इसका, देखिए भोले बाबा को जब भी मेडिटेशन करना होता था ना, तो मेडिटेशन के लिए उनको एक अच्छी जगह चाहिए थी जहां पे बैठ के वो मेडिटेशन कर सके। और जब वो मेडिटेशन करते थे तो वो अपने आप को शिवलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, और यही जो शिवलिंग के फॉर्म में कन्वर्जन होता था इन्हीं को हम आज के टाइम पे ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। एक खास बात भी होती थी, ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रोशनी, जैसे कि आपने सुना होगा अमरनाथ यात्रा के बारे में, वहां पे आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग बनता है वो बर्फ का बनता है और वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी रहती है। जस्ट लाइक गौतम बुद्ध जी की जब हम बात करते हैं तो एनलाइटमेंट की बात होती है ना, तो जो लाइट है, जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीजें तो लिखी हुई है पुराणों के अंदर, सारी चीजें मेंशन है। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और हिस्टोरिक बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा को एक बार मेडिटेशन करना था, और वो कहाँ पर आते हैं, बनारस के अंदर, यानी कि वाराणसी के अंदर वो आते हैं, ठीक है। अब उनको जब मेडिटेशन करना था तो ये दूसरी बार आए थे, मतलब एक बार पहले आ चुके थे बनारस के अंदर, फिर दूसरी बार ये क्या करने आते हैं, मेडिटेशन के लिए वाराणसी के अंदर आते हैं, बनारस काशी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब जब ये काशी के अंदर आते हैं तो उस टाइम पे ये बिल्कुल अपने रुद्र रूप में होते हैं। ये सारी बातें फैक्चुअल है, सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर्स में, पुरानी किताबों में आपको मिल जाएंगी। तो क्या कहा गया, बोला गया कि वो रुद्र रूप में जब बनारस के अंदर आते हैं तो उनको चाहिए था ठंडा पानी, क्योंकि देखो गुस्सा कैसे शांत होता है, ठंडे पानी से ही शांत होता है। तो उनको ठंडा पानी चाहिए था जिसका इस्तेमाल वो करना चाहते थे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो एक बारी से आ चुके थे तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बना ही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए त्रिशूल को जब उन्होंने धरती पे मारा तो वहां से पानी निकला, और यही जो पानी यहाँ से निकला इसी को क्या कहा जाता है, ज्ञान वापी कुएं के नाम से जाना जाता है, या फिर ज्ञान वापी वेल के नाम से जाना जाता है। आज के समय पे भी ये कहा जाता है कि भोले बाबा जो हैं वो अभी भी काशी के अंदर विद्यमान हैं, वो वहां से वापस आज तक नहीं गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको जो मोक्ष की प्राप्ति हो वो बनारस या वाराणसी के अंदर ही हो, तो उसका रीजन भी यही है। तो ये तो बात हो गई हिस्टोरिक जो मैंने आपको बताई, इतना ही नहीं है, अगर आप देखें तो काफी सारे चाइनीज फिलोसफर्स भी आए हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में और साथ साथ वाराणसी के बारे में बात की हुई है। अब चाइना मतलब कहीं पे भी आ जाते हैं लोग। खैर, ह्वेनसांग आप सभी लोग जानते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आपको ह्वेनसांग देखने को मिले थे, तो ये इंडिया के अंदर आते हैं और इन्होंने भी इनके बारे में बात की हुई है। इसके अलावा अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर, जिनको विक्रम आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस क्लेम्ड टू हैव कंस्ट्रक्टेड, ऐसा माना जाता है कि इनके ही द्वारा काशी विश्वनाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था गुप्ता टाइम पीरियड पे, ठीक है। क्या करवाया गया था, इसको ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था गुप्ता टाइम पीरियड पे। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब भी यहाँ पे हिस्ट्री की बात आती है तो काफी सारे ऐसे रूलर्स हमारे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़वा के उसकी जगह पे मॉस्क्यू को बनवाया। यहाँ पे काफी सारे ऐसे मंदिर भी थे जिनको तोड़ा तो गया लेकिन साथ में उनको लूटा भी गया, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये टाइम पीरियड चलता है तो अगर आप देखें तो सबसे पहली बार जब अटैक किया गया था काशी विश्वनाथ टेम्पल पे, तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो कब होता है, आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी के समय पर होता है। अब मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गौरी जब इंडिया के अंदर आते हैं तो इनका एक सहायक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी लोग जानते हैं जब भी हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं या दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा जाता है और वो इस मंदिर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय तो करते हैं, साथ में यहाँ पे लूटा भी जाता है इस पर्टिकुलर मंदिर को। तो सबसे पहला जो अटैक आपको देखने को मिला वो इनके ही समय पर होता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक भी आए, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी यहाँ पे लूटपाट मचाई गई। उसके बाद में जब मुगल साम्राज्य आता है, यानी कि जब अकबर का समय आता है, तब ऐसा माना जाता है कि अकबर ने इस पर्टिकुलर मंदिर के कुछ हिस्सों को एक बार से रिकंस्ट्रक्ट भी कराया था और इसकी देखभाल करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन उसके बाद में जब औरंगजेब का समय आता है, तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस पर्टिकुलर मंदिर के एक हिस्से को तोड़वा के वहां पर एक मॉस्क्यू को कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसका नाम क्या है, ज्ञानवापी मॉस्क्यू। मैंने आपको ये जो ज्ञानवापी कुएं के बारे में बताया है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कंटिन्यूसली जो पानी है वो भी निकलता रहता है। तो अभी जो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर मतलब हाईलाइट किया है, 3-4 पॉइंट्स हैं, तो वहां पे आपको वो चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉस्क्यू को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1663 का ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये तो चीज हो रही थी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, अहिल्या बाई होलकर, आपने सुना होगा होलकर डायनेस्टी के बारे में, एमपी के अंदर इंदौर में। तो वहां पर ये रानी थी जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस पर्टिकुलर मंदिर को एक बार फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया था, और साथ में आज के समय पर जो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में सुनते हैं, एक्चुअल में ये इनका ही सपना था। ये चीज मैंने आपको सुबह करेंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाई है। अब आधों को पता ही नहीं होगा कि करेंट अफेयर्स का क्लास दोबारा शुरू हो गया, भैया 7 बजे सुबह शुरू हो चुका है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, ठीक है। तो ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ये इनका ही सपना था, जिनके सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसके लिए अप्रूवल भी दिया है और इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड की गई है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो अब बनना स्टार्ट हो चुका है। तो माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। टाइम पीरियड कौन सा है, 1776 का ये टाइम पीरियड है। धीरे धीरे करके समय आता है यहाँ पर 1936, लेकिन उससे पहले एक और समय आपको देखने को मिलेगा। 19th सेंचुरी की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले जरा हम यहाँ पे 17th सेंचुरी की ही बात कर लें। एक समय आता है 1835 का। 1835 का जब समय आता है तो आपने एक नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह जी का, या फिर राजा रणजीत सिंह जी का। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वाइफ के कहने पर काफी सारा गोल्ड, काफी सारा सोना भेजा था, करीबन 1 टन का सोना भेजा गया था। कहाँ पे, काशी विश्वनाथ में। अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखो, आपको एक इमेज दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, देख रहे हैं आपको ये जो ऊपर का गुंबद वाला ये जो स्ट्रक्चर है, और ये वाले जो पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो शिखर नजर आ रहे हैं आपको, ये देखो कैसे गोल्ड के हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर उस गोल्ड की एक प्लेटिंग करवाई गई थी। तो ये गोल्ड की प्लेटिंग के लिए गोल्ड कहाँ से आता है, यहीं से इसको भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बातें यहाँ पर हो गई इसके बारे में। अब 1936 का जब समय आता है तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे यहाँ पे अलग अलग चीजें कही गई, ज्ञानपीठ कॉम्प्लेक्स के बारे में काफी सारी बातें निकल के आती हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कई बार ऐसा भी यहाँ पर हुआ कि अपील की गई अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर, और ये मांग की गई कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पे मॉस्क्यू है। तो लोगों ने ये डिमांड की कि हमें यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी जाए। ये यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया, और उसके बाद में बैक टू बैक पिटिशंस आपको देखने को मिली। द राइट टू ऑफर नमाज एट द ज्ञानवापी मॉस्क्यू वॉज ग्रांटेड ऑन 15th of August 1937। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रेयर का राइट दिया गया था, ये यहाँ पर कब दिया जाता है, इस पर्टिकुलर डेट को, जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे
गुप्ता, हाई कोर्ट डिसमिस द अपील ऑन 10th ऑफ अप्रैल 1942 मेंटेनिंग द लोअर कोर्ट्स वर्डिक्ट। अब यहां पर क्या हुआ, पहले तो यहां पे ये राइट्स दे दिए गए, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये सवाल खड़ा होता गया कि आप हमको भी यहाँ पे पूजा अर्चना के अधिकार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें क्या होती चली गई, एक डिस्प्यूट में क्रिएट होती चली गई। लेकिन एक समय आता है 1991 का, यहां से जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी। क्या होता है 1991 के समय पर बोला जाता है, एक पिटीशन फाइल की जाती है वाराणसी सिविल कोर्ट के अंदर, जहां पे बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर मॉस्क्यू बनवाया गया था, इस मॉस्क्यू के अंदर एक शिवलिंग है, और ये जो शिवलिंग है ये कितने फीट का है, 12 फीट का है। ये पिटीशन की बात हो रही है 1991 की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोगों का नाम भी मेंशन है, और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे पिटीशन को फाइल किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू टेम्पल एट ज्ञानवापी एज वेल एज द फ्रीडम टू वर्शिप, जिसके अंदर बोला गया था कि यहाँ पर मंदिर बनाने का अधिकार दिया जाए, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे पूजा अर्चना करने का अधिकार भी दिया जाए। ये समय कौन सा है, 1991, और इसी समय से जुड़ा हुआ आपको एक एक्ट देखने को मिलता है। मान के चलो कि ये तो तुम्हारे पेपर में पूछा ही जाएगा, एक्ट का नाम क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और ये एक्ट कब का है, 1991 का ये एक्ट यहाँ पर बनाया गया, जिसके अंदर तीन नहीं मतलब हमारे काम की दो ही बातें, तो हम दो ही बातों को समझते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई भी जगह है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, वो जिस तरीके का है उसको उसी तरीके से रहने दिया जाएगा। अगर कोई भी जगह 15th ऑफ अगस्त 1947 से पहले किसी भी तरीके से थी तो उसको वैसे ही रखा जाएगा, वो एज इट इज रहेगी, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मॉस्क्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय पर अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, अगर वो मॉस्क्यू था तो वो मॉस्क्यू रहेगा, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये लिखा है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, नो पर्सन कैन कन्वर्ट द रिलीजियस प्लेस, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर उस पर्टिकुलर जगह को वो किसी और जगह में ट्रांसफर करना चाहता है या रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है या चेंजेस करना चाहता है, तो उसकी भी परमिशन इस एक्ट के अंदर नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इसके अंदर पॉइंट तो तीन है, लेकिन हमारे मतलब के यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट है। पहली चीज, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। दूसरी चीज कि किसी भी तरीके का कोई कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पिटीशन जो आई वो आपने देखी, लेकिन ये पिटीशन जो है इसके बाद में ये एक्ट आपको देखने को मिला। चीजें होती रही, आप देख सकते हो यहाँ पे कि लखनऊ के अंदर भी एक जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वहां पे भी ये इशू रेज हुआ था, लेकिन इसके बाद में ये जो इशू है ये एक बार फिर से लाइमलाइट में आता है 2018 में, जब यहाँ पर विजय शंकर रस्तोगी, कौन थे, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट थे, जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो इसके बाद में एक बार फिर से एक नई पिटीशन फाइल की जाती है। नई पिटीशन के फाइल होने के बाद में भी बोला गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिसर्च करेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला गया कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। लेकिन चीजें हो रही थी, ठीक, बोला गया कि अच्छा ठीक है सर्वे होगा, लेकिन 2021 जैसे ही आया, 2021 में एक बार फिर से पिटीशन फाइल हो गई, और इस बार की जो पिटीशन थी वो दिल्ली की कुछ महिलाओं के द्वारा फाइल की गई, और इनका कहना था कि हम गौरी श्रृंगार करना चाहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां पे कौन, गौरी माता का भी क्या है, एक मंदिर या फिर उनकी मूर्ति रखी हुई है जिसका श्रृंगार ये लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला पिटीशन आया उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप वीडियोग्राफी करेंगे। किस चीज की, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी की शुरुआत होती है, वीडियोग्राफी शुरू होने के बाद में 17th ऑफ मई को इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। रिपोर्ट सौंपने के बाद में यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो कही गई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है, कहा गया है कि जब ये वीडियोग्राफी हुई है तो यहाँ पे शिवलिंग पाया गया है, ठीक,
मैंने आपको बताया था 12 फीट की बात हुई थी, अभी पता नहीं भाई कितना है कितना नहीं, ये तो अभी और कुछ रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है, मुस्लिम्स राइट टू प्रेयर रिलीजन ऑब्जर्वेंस नॉट टू बी डिस्टर्ब आउटसाइड, यानी कि जो मुस्लिम्स को वहां पे भी राइट है प्रेयर वेयर करने का, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे ट्रायल जज हैं, यानी कि जो वहां पे एंट्री को लेके सारी चीजें चल रही हैं, वहां पे भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, इसी के साथ में एक और बात बोली गई है, वो बात क्या है, ये जो आप शिखर देख रहे हो, होता है ना नागारा स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल, अलग अलग स्टाइल के, आपको पता है कि टेम्पल्स होते हैं नॉर्थ में अलग साउथ में अलग। अब आप सोचते होंगे कि यार ये सब चीजें नॉर्थ में ही क्यों होती हैं, साउथ में क्यों नहीं होती हैं। दिमाग में आता होगा ना कि सारे के सारे ये जो लैंड वाले डिस्प्यूट है यहीं पे क्यों हो रहे हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब धीरे धीरे करके इस्लामिज्म इंडिया में आता है तो ये इस्लामिज्म साउथ तक जा नहीं पाता, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा कोई डिस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बताया गया इस सर्वे के अंदर कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको शिखर नजर आ रहे हैं, इन शिखर के अंदर की तरफ पर जहां पे वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां पे जो पिलर्स लगे हुए हैं, उस पिलर्स के ऊपर त्रिशूल के निशान बने हुए हैं, कमल के निशान बने हुए हैं, कमल की पत्तियां बनी हुई हैं, उसमें स्वास्तिक के निशान बने हुए, ये सब इनकी रिपोर्ट में बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब हमारे काम का क्या पॉइंट है, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे सवाल हमेशा आता है, तो हमारे काम का क्या है, आर्किटेक्चर। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे नागारा स्टाइल के बारे में सवाल बन सकता है, शिखर के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे थे डिस्प्यूट था, इसके ऊपर अलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो अगली वाली डेट यहाँ पे बता दी है, हो सकता है कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब तक ये आपके पास में पहुंचेगा वीडियो, मे बी तब तक कुछ और चेंजेस भी हो चुके हों, तो पॉसिबिलिटीज यही है। अगर कोई भी अपडेशन होगा तो वो सुबह मैं 7 बजे आपके साथ में डिस्कस करूंगी करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई कहां से क्या क्या चीजें हुई, आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये डिस्प्यूट जब रिजॉल्व होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कि राम जन्मभूमि वाला जो एरिया था जहां पे डिस्प्यूट हुआ था, वहां पे आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, साथ में वहां पे हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, है ना, तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिले। और मथुरा वाला जो है, लेट्स सी कि वहां पे भी क्या आउटकम आता है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा 5 बजे तक, हो सकता है कि तब तक कुछ चेंजेस हो जाएं, तो वो हम लोग सुबह 7 बजे क्लास में डिस्कस करेंगे, ओनली ऑन बाईपास स्टडी स्टूडियोज चैनल सुबह 7 बजे। रिपोर्ट एंड विन का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चलिए तो मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन अगर समझ में आया हो और बेहतर समझ में आया हो तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।